हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं लेकर के जा रही हूँ अगेन आप लोगों को ग्रामर की हेवन। इसमें हम लोग कवर करेंगे डे 106, जिसमें हम लोग प्लेसमेंट्स ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। राइट, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि आपकी जो वर्ब्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाई जाती हैं। अगर आपके पास सिंगल वर्ब आ रही है तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ प्लेस करोगे, और जब आपके पास बहुत सारी वर्ब्स आ रही हैं तो आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ प्लेस करोगे। सो हमेशा याद रखना कि जनरली हमारे सेंटेंस में एक वर्ब भी हो सकती है, एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती है। अगर हमारे सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब का ही काम करेगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ब है तो वो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, क्योंकि वो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए लगी भी होती हैं। राइट, सो जब भी आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाने का ऑप्शन आए, तो चाहे आपके पास एक वर्ब हो चाहे आपके पास मेनी वर्ब हो, इन बोथ केसेस यू विल place it before main verb। आप हमेशा इसको कहाँ place करोगे, हमेशा main verb के पहले। For example, मैंने कहा my brother cooks food। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मेरा भाई खाना बनाता है, ये कभी नहीं हो सकता, है ना। दूसरा मैंने लिख दिया The girl was found standing near the street। अब मैं आपसे कह रही हूं कि आपको फर्स्ट वाले में लगाना है नेवर, और आपको सेकेंड वाले में लगाना है ऑलवेज, जो दोनों ही क्या है, आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आप इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे प्लेस करोगे। आपको पता है ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें से ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, है ना। ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सो आपके पास जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रही है तो वो तो मेन वर्ब हो गई, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाई जाती है। सो इस सेंटेंस में अगर आपको लगाना होगा कि मेरा भाई कभी खाना नहीं बनाता, तो आप क्या लिखेंगे, माई ब्रदर नेवर कुक्स फूड, तो मेन वर्ब के पहले उठा करके लगा दोगे, ठीक है। वेयर एज सेकंड सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है द गर्ल वॉज फाउंड स्टैंडिंग नियर द स्ट्रीट, लड़की को गली के पास देखा गया खड़े हुए, है ना। सो यहां पर एक तो ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, है ना, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड का मतलब पाया गया होता है, ये मेन वर्ब है। और वो कर क्या रही थी, उसकी एक्टिविटी क्या थी, उसके प्रोसेस क्या था, खड़ी थी वो, और उसके खड़े होने के प्रोसेस को एक नाम दिया गया। सो ये जो है ये वर्ब है, है ना, एक्टिविटी है, लेकिन ये एक्टिविटी एक प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, नेम दिया गया है ना। सो जो वर्ड आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना रहा होता है बट काम कर रहा होता है नाउन का, है ना, तो उसको बोलते हो आप जेरंड, क्या बोलते हो, जेरंड। सो एक जेरंड है यहाँ पे, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, और मुझे क्या करना है, मुझे मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगानी है। तो मैं कैसे लगाऊंगी, मैंने कहा द गर्ल वॉज ऑलवेज फाउंड, गर्ल लड़की को हमेशा आप देखोगे कि वो खड़ी रहती है नियर द स्ट्रीट, सो व्हाट विल यू राइट, ठीक है, क्लियर है ना। सो एक क्वेश्चन में जाते जाते आप लोग को जरूर देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे उस क्वेश्चन का आंसर करके दो। मैंने कहा ही बार्क्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों को देख करके भौंकता है, है ना, और यहाँ पे आपको लगाना है सेल्डम। सो आप जल्दी से बताइए ये सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कहाँ प्लेस करेंगे। इसी के साथ मैं ये वाले सेशन को एंड करूँगी, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।